यूसीएमए ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन। सो देखिए गाइस, जब आप यूएससीएमए की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक, जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटीज, क्रिप्टोकरेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, इन सारी चीजों के ऊपर जब थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल केस स्टडी के बेसिस पे होते हैं, तो क्योंकि स्टूडेंट एक ट्रेडिशनल तरीके से अपनी स्टडी को कर रहे होते हैं तो कई बार वो प्रैक्टिकल केस स्टडी को सही तरीके से आंसर नहीं कर पाते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए AKPIS इंस्टीट्यूट एक नई बैच लॉन्च कर रहा है जिसमें हम इन इंडस्ट्री ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कॉन्सेप्ट लाइक ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सारे टॉपिक्स के एक फंडामेंटल्स थ्योरी लेक्चर्स की सीरीज को हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि आपका नॉलेज अपडेट हो। और गाइस एक और बात, यूएससीएमए के एग्जाम में 50% पोर्शन थ्योरी का है, तो अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की जाए, आपको यहां पे क्रैमिंग नहीं करना है, मॉकअप नहीं करना है, तभी आप यूएससीएमए के एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो चलिए हम पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि इस यूएससीएमए की जो थ्योरी बैच है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वेट गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू बहुत सारे इस थ्योरी बैच के वीडियोज भी शेयर किए जाएंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके और आपको बेनिफिट हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी एजेंडा को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप बोर्ड पे देख रहे हैं यूएससीएमए पार्ट टू थ्योरी सेगमेंट। इस थ्योरी सेगमेंट में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं उसके एजेंडा को मैंने यहां पे डिस्कस करना है। तो पहले हम पार्ट टू को पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, इसमें हम सारी थ्योरी कवर करने वाले हैं, छोटी सी छोटी थ्योरी। मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा बता देता हूं। देखिए रिस्क मैनेजमेंट, कॉसो इंटरप्राइजेस रिस्क मैनेजमेंट, ERM फ्रेमवर्क, बिजनेस एथिक्स, रिस्क एनालिसिस, मर्जर एंड एक्विजिशन, कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट, शेयर मार्केट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे होता है। तो जब आप पूरे टेक्नोलॉजी वाले, शेयर मार्केट के, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस एथिक्स, ये थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ना, आपके पास होने के चांसेस वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ने वाले। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, 50-60% पोर्शन थ्योरी होता है और जब आप बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें उतने अच्छे एग्जाम्पल नहीं होते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया है जिसमें हम अगले सेगमेंट में इसको सर हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो यहां पर मैंने तीन फेजेस को डिस्कस कर रहा हूं कि सबसे पहले पहला फेज जो होगा उसमें हम आपको पीपीटीज और डायग्राम के थ्रू, बहुत ब्यूटीफुल पीपीटीज नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट को डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा चार्ट्स के थ्रू, निमोनिक टेक्निक्स के थ्रू और उसके एग्जांपल्स। आपको समरी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे उन थ्योरी को क्या कर सकें, अच्छे से रिवाइज कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर आपने लाइव क्लास में उन कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसके बाद आपको उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो तीन फेजेस हैं, पीपीटी डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समरी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इन्हीं क्लास के, इन लाइव क्लास के वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप जितनी बार भी देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। मेन करिकुलम अलग चल रहा है, ये एक थ्योरी सब्जेक्ट में थ्योरी सेगमेंट को प्रैक्टिकल से लेने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद क्योंकि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास का बेनिफिट लेने के बाद पास हो, तो फिर आपकी मॉक एग्जाम होगी। मॉक एग्जाम को भी हमने तीन सेगमेंट में बांटा है। सबसे पहले फेज में हम लेने वाले हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन थ्योरी लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद आपको एमसीक्यू का टेस्ट देना होगा। उसके बाद एज ए राइटिंग, देखिए दो एज ए क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या थ्योरी के बेसिस पे हम एज ए क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें और
क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो हमारी मेन क्लासेस हो गई, फंडामेंटल लेक्चर्स हो गए, थ्योरी मैराथन हो गई, सबको कंप्लीट करने के बाद आपने मुझे एक फुल मॉक देना है एज पर एग्जाम पैटर्न, जिससे कि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ सके और आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ सके कि सर वी आर रेडी टू क्रैक द यूएससी एग्जाम। ये सेम पैटर्न हम पार्ट टू और पार्ट वन दोनों में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अब देखिए, जब आपकी मॉक टेस्ट में आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मैं एनालिसिस करूंगा, स्वॉट एनालिसिस किया जाएगा हर स्टूडेंट का कि वो किन एरियाज में वीक है। क्या वो थ्योरी पोर्शन में वीक है, क्या सर वो नंबर क्रंचिंग में वीक है, क्या उसके एज़ राइटिंग सही नहीं है, क्या वो ज्यादा टाइम ले रहा है एज ए राइटिंग, उसकी क्या स्किल है, कहीं वो लैंग्वेज में इशू तो नहीं फेस कर रहा है। तो ये जो स्वॉट एनालिसिस में आपका पूरा स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको जाने दूंगा। और अगर कोई स्टूडेंट फंडामेंटल में लैक कर रहा है या इंटरप्रिटेशन स्किल में लैक कर रहा है, वो भी हम यहां पे क्या करने वाले हैं, इंप्रूव करने वाले। तो ये पूरा सेगमेंट मैंने डिजाइन खुद किया है। और उसके बाद आता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो देखिए, अगर आपने यूएससीएमए के प्रोफेशन को पास कर लिया, डेफिनेटली प्लेसमेंट तो हमने आपका कराना ही है। लेकिन सबसे पहले, पहली जो चीज मैं हमेशा बोलता हूं, करेक्ट प्रोसेस को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। प्लेसमेंट आपके पीछे भागेगा, आप एक बार यूएससीएमए की डिग्री को अचीव तो कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि सर, ये थ्योरी मैराथन में आपने वीकनेस एनालिसिस कर लिया, प्रॉपर मॉक टेस्ट ले लिया, उसके बाद हमारा प्लेसमेंट, ये सारी चीज AKPIS इंस्टीट्यूट टेक केयर करते हैं। सो इसकी जो नई बैच है वो 7th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है, यूएससीएमए पार्ट टू थ्योरी मैराथन। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर चुके हैं, तो भी आप इस थ्योरी मैराथन सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमारी एकेडमिक टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर देखने को मिल रहा होगा। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं, आपको यहां पर उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, आपका मॉक एग्जाम भी होगा और हम आपको समरी नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जाते जाते मैं आपसे एक बार कह रहा हूं, यूएससीएमए में 50-60% थ्योरी पोर्शन है और अगर 50-60% थ्योरी को प्रैक्टिकल सिनेरियो को पीपीटीज के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, न्यूमेरिक टेक्निक्स के थ्रू आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपका यूएससीएमए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आप ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो अपनी यूएससीएमए की जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।